और पार्टी ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं जरूर निगम के चुनाव में जाऊंगा। नहर पार के इलाके हैं, उसमें पार्टी सर्वे करा ले, और जो मजबूत प्रत्याशी हो उसमें पार्टी दाव खेले, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पार्टी हमारी माँ की तरह है और हमें माँ पे पूरा विश्वास है। तो लोग मुझे वोट इसलिए दे कि मैं निरंतर लोगों के बीच में रहा हूँ और निरंतर लोगों की सेवा करता रहा हूँ, और जो पूर्वांचल के लोग हैं उनकी भी इच्छा है कि इस बार कम से कम ऐसा कोई व्यक्ति आए जो पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करे। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं उनका नाम है सुमन चंदेल जी, जो कि पूर्व जिला महामंत्री बीजेपी पार्टी से रह चुके हैं। तो सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्कार सर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि तिगांव विधानसभा में जो MLA हैं राजेश नागर जी, वो MLA बनने के बाद एक बार भी कभी भी लोगों की काफ़ी हद तक मतलब उनसे शिकायतें हैं, वो कभी भी यहाँ पे आके उन्होंने कभी निरीक्षण नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए तिवारी जी, ये लोगों के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये जनता के आरोप नहीं है, ये कांग्रेस के लोगों के आरोप हैं। अच्छा। क्योंकि राजेश नागर जी निरंतर क्षेत्र के अंदर रहे और लोगों के लिए निरंतर कार्य करते रहे हैं, अब जीतने के बाद लगातार क्षेत्र की जनता के साथ है और लगातार क्षेत्र की जनता के लिए वो चंडीगढ़ में बैठ के लोगों की मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं और वहाँ से ग्रांट ला के लोगों को काम करवाते हैं। आप पूर्व के विधायक को देख लीजिए और वर्तमान विधायक को देख लीजिए, आपको अंतर का पता चल जाएगा कि माननीय राजेश नागर जी ने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कार्य किए हैं। आप क्षेत्र के अंदर जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि पहले के विधायकों ने कुछ कार्य किया नहीं था, तो वर्तमान विधायक से लोगों की उम्मीदें और आशा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निगम में भी हमारी सरकार है, तो तीनों जगह हमारी एक चयन है और लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। तो राजेश नागर जी पे जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि राजेश नागर जी निरंतर आप जाके देखिए तो चाहे बिजली बोर्ड के अधिकारियों से बात हो या MCF के कमिश्नर से बात हो या हुड्डा से बात हो, सभी डिपार्टमेंट में बड़ी मजबूती से अपने पक्ष को रखते हैं और डिपार्टमेंट से बड़ी आसानी के साथ इस क्षेत्र के लिए काम करवाते हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल है कि चेतन मार्केट और श्याम कॉलोनी जैसे जगहों पे सड़कों की हालत काफ़ी जर्जर है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए तिवारी जी, अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ा बीमारी हो जाए तो डॉक्टर हेमोपैथ से या एलोपैथ के मेडिसिन से काम नहीं चलता, उसके लिए सर्जरी करना पड़ता है, और जो हमारा क्षेत्र था इसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। यहाँ पे पहले से ही किसी प्रकार के कोई कार्य नहीं थे, पानी निकासी के लिए नाली की व्यवस्था नहीं थी, सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें बनी हुई नहीं थी, इंटरलॉकिंग टाइल नहीं थे, तो इस क्षेत्र की दुर्दशा थी, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के MLA थे, उससे पूर्व कांग्रेस की सरकार थी, तो जब हमारी सरकार देश में प्रदेश में आए तो हमने एक विकास का बहुत बड़ा एजेंडा लेके आए। हम सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि यहाँ टाइल लग जाए, सड़कें बन जाए, हम चाहते थे कि जड़ से इनका समाधान हो, तो जब जड़ से समाधान होगा उसके लिए हमें सीवर लाइन डालनी थी, उसके लिए नाली की व्यवस्था करनी थी, इंटरलॉकिंग टाइल की व्यवस्था करनी थी, तो अगर हम पहले टाइल लगवाए थे लेकिन जब वो नाली की व्यवस्था नहीं थी तो पानी सड़क पर इकट्ठा होता था, सड़क पर इकट्ठा होने के बावजूद वो सड़कें टूट जाती थी, तो इस बार हमने प्रयास करा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को 2017 में हमने छठघाट पर श्याम कॉलोनी में बुलवाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी सौगात इस क्षेत्र की जनता को देके गए और उन्होंने अपने ग्रांट से कहा था कि इस क्षेत्र के अंदर ना तो पीने की पानी की समस्या होगी, ना बिजली की समस्या होगी, ना सीवर, ना इंटरलॉकिंग टाइल की व्यवस्था होगी। तो आप जाके देखिएगा कि श्याम कॉलोनी में अभी 2-4 दिन के अंदर 2-4 गलियों का बिल्कुल कंप्लीट कर दिया गया, क्योंकि वहां सीवर की लाइन डल गई थी और पीने की पानी की व्यवस्था की जो लाइन थी वो लाइन भी अमृत योजना के थ्रू डल गई थी। तो आप देखिए उन सभी गलियों का अब निर्माण कार्य हो रहा है और बहुत जल्दी जो इतनी भी गली कच्ची रह गई इन सभी गलियों को पक्की किया जाएगा और नियमित तरीके से लोगों को जो जन सुविधाएं चाहिए उन सुविधाओं के लिए निरंतर प्रयास यहाँ के विधायक, सांसद और भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्थानीय नेता, प्रदेश के नेता निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आपको देखने में पता चलेगा, कुछ समय बाद जाइएगा, क्योंकि हम सर्जरी कर रहे हैं। मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ कि पहले हमें भविष्य में कुछ मिला नहीं तो हम धरातल पर आके काम कर रहे हैं और वो काम देखने को आपको मिलेगा। सर, आपको क्या लगता है विकास कार्य हुए हैं? देखिए तिवारी जी, मैं ईमानदारी के साथ आपको कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई है, उस कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे नियत और नीति में कहीं कोई कमी नहीं है, हमारी नियत भी ठीक है और हमारी नीति भी ठीक है, क्योंकि हमारी अच्छी नीति है, हम चाहते हैं कि किसी भी समस्या का जड़ से समाधान हो। हम कुछ समय के लिए समस्या का समाधान करके चुनाव जीतना नहीं चाहते, हम चाहते हैं लोगों की जो समस्या है उनको मजबूत तरीके से उठाया जाए और उस समस्या को मजबूती के साथ निदान किया जाए। सर,
मेरा एक आशंका, आप कह रहे हैं कि चुनाव जीतना है, चुनाव जीतना नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते लोगों के हित में काम करें, क्या लगता है आपको कि आप पार्टी में आना चाहते हैं? मुझे जहाँ तक लग रहा है कि रणनीति कुछ ऐसी, मतलब आशंका हो रही है, तो क्या लगता है आपको कि पार्टी में आप आना चाहते हैं, कुछ इस तरीके की आपकी मंशा है? देखिए तिवारी जी, पार्टी में तो मैं पहले से ही हूँ। 2009 में मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष बना, उसके बाद मैं पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बना, उसके बाद मैं जिला महामंत्री बना, स्वच्छ भारत अभियान का जिला अध्यक्ष बना। तो बहुत सारे दायित्व पार्टी ने मुझे दिया है और निरंतर मैं पार्टी के दायित्व को निर्वहन करते हुए इसलिए लोगों की क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती के साथ उठाया है, माननीय मंत्री जी के सामने उठाया है, विधायक जी के सामने उठाया है, पार्षद जी मेरे साथ थे उनके साथ लग के मैं निरंतर इस क्षेत्र की सेवा करने का कार्य मैंने किया है। क्षेत्र की सेवा से ही, मतलब मैं कह रही हूँ कि नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, मैं उसको लेकर आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या चाहते हैं आप उसको? देखिए कहीं आपका इशारा तो ये नहीं आप पूछना चाहते, क्योंकि पत्रकार की भाषा को मैं समझता हूँ और आप ये मेरे से पूछना चाहते हो कहीं आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते। तो देखिए तिवारी जी, बिल्कुल आपने कहा और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता की इच्छाएं होती है, कोई पार्टी की सेवा करना चाहता है, कोई जनता की सेवा करना चाहता है, मैं पार्टी की सेवा भी निरंतर करते आ रहा हूं और पार्टी ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं जरूर निगम के चुनाव में जाऊंगा, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है जनता की सेवा करना और मैं एक साधारण कार्यकर्ता होने के बावजूद लोगों की निरंतर सेवाएं मैंने करी है और पार्टी अगर चाहेगी तो मैं हमेशा पार्टी की सेवा करने का काम करूंगा, लोगों के सेवा करने का काम करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व इस निगम में जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए 40 वार्ड थे और कुछ वार्डों की संख्या फिर बढ़ने जा रही है, हो सकता 5-6 वार्ड बढ़ जाए तो 40-45 वार्ड होंगे और 45 वार्ड में दुर्भाग्य की बात है कि इस बार कोई भी ऐसा पार्षद नहीं है जो पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करता हो, पूर्वांचल से आता हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार एक सीट पूर्वांचल वासियों के लिए दिया भी था और उस सीट पर बहुत कम अंतर से जो प्रत्याशी था वो चुनाव हार गया था और पिछले बार भी मेरे नाम पर चर्चा हुई और लास्ट के 2 दिन में मेरा नाम बड़ी तेजी से उभर के आया, लेकिन कहीं कुछ कमी रह गई होगी जिस वजह से मैं टिकट से वंचित रह गया, लेकिन इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पार्टी मुझे दे या ना दे ये विषय नहीं है और मैं ये चाहता भी नहीं कि पार्टी मुझे टिकट दे, हर व्यक्ति की इच्छा होती है, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी इस 45 वार्ड में कुछ पूर्वांचल वासियों को टिकट देने का काम करे, क्योंकि आप पूर्व में देखिए तो कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी भी कांग्रेस पार्टी तो में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो सिंबल पर चुनाव में जाए और पार्टी सिंबल में जाती नहीं, लेकिन इस बार सुनने को आया है कि पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ाएगी, तो मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो पूर्वांचल की हमेशा मान सम्मान देती आई है और भारतीय जनता पार्टी इस बार भी पूर्वांचल वासी को टिकट देगी, मुझे टिकट दे, किसी और व्यक्ति को दे टिकट और मैं कह रहा हूं कि जो नहर पार के इलाके हैं उसमें पार्टी सर्वे करा ले और जो मजबूत प्रत्याशी हो उसमें पार्टी दाव खेले, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पार्टी हमारी माँ के तरह है और हमें माँ पे पूरा विश्वास है। सर लेकिन अगर आपको क्या लगता है कि अगर आप खड़े होते हैं इस चीज चुनाव को लेकर, तो क्या लगता है आपकी तरफ से आप लोगों के हित में क्या क्या कार्य करेंगे और आपको जनता क्यों वोट दे? देखिए तिवारी जी, आपने एक बड़ी कठिन प्रश्न मेरे से पूछा कि जनता आपको वोट क्यों दे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनता मुझे वोट क्यों दे, क्योंकि 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं यहाँ लेके आया और मैं लोगों से कहता था कि मैं मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लेके आ रहा हूँ, तो लोग कहते थे कि यहाँ तो यार इससे पूर्व में किसी प्रदेश स्तर का मंत्री भी नहीं आया, किशन पाल जी बराबर आते हैं क्योंकि वो मंत्री भी हैं और वो यहाँ से निरंतर जुड़े रहे हैं, तो लोग कहते थे कि मंत्री मुख्यमंत्री जी आएंगे नहीं। 2017 में मुख्यमंत्री जी को लेके आया और मुख्यमंत्री जी को लेके मैं वार्ड नंबर 23 में आया, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणाएं हुई, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्यक्रम हुए, उसकी उपलब्धि पूरे क्षेत्र को मिला, पूरे निगम को मिला। आज मुख्यमंत्री जी ने जो स्ट्रीट लाइटें दी वो 40 के 40 वार्डों में मिला, जो मुख्यमंत्री जी के जो योजनाएं थी उसका लाभ, जो अमृत योजना था उसका लाभ पूरे जिले को मिला, पूरे प्रदेश को मिल रहा है। तो लोग मुझे वोट इसलिए दे कि मैं निरंतर लोगों के बीच में रहा हूँ और निरंतर लोगों की सेवा करता रहा हूँ और जो पूर्वांचल के लोग हैं उनकी भी इच्छाएं हैं कि इस बार कम से कम ऐसा कोई व्यक्ति आए जो पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करे, तो लोग मुझे वोट इसलिए दे कि लोगों के लिए हमेशा विचारधारों पे मैं खड़ा उतरा हूँ, क्योंकि छठ पूजा का त्यौहार होता है, स्थानीय नेता भी बहुत अच्छे नेता हैं। मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी से जो लोग जीत के आए हैं 29-30 जो पार्षद जीत के आए हैं वो अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं, वो अच्छी तरीके से काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम पूर्वांचल के कोई ऐसा नेता जीत के आए, जैसे छठ पूजा का त्यौहार होता है, 4 दिन का त्यौहार होता है और लोग निरंतर, क्योंकि बाजार से भी सामान खरीद के लाना होता है, छठ घाट की व्यवस्था करनी होती है, साफ सफाई की व्यवस्था करनी होती है, तो जो स्थानीय लोग हैं छठ पूजा को तो जानते तो हैं लेकिन उसके अंदर उनको पता नहीं है कि किस तरीके से इसे मनाया जाता है, तो मैं चाहता हूँ कम से कम ऐसे लोग आएँ जो निगम में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखें, सरकार से द्वारा
सरकारी अवकाश घोषित करवाए 2 दिन के लिए, और प्राइवेट कंपनी के जो जबरदस्ती इनसे ड्यूटी ली जाती है, कम से कम 1 या 2 रिक्शा लेके आईएएस से लेके और मजदूर तक की व्यवस्था इस देश के अंदर पूर्वांचल के लोग करते हैं। तो आज पूर्वांचल के प्रतिनिधित्व की बात है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी पार्टी और यहाँ के स्थानीय नेता भाई राजेश नागर जी, गिरिराज शर्मा जी, कृष्णपाल गुर्जर जी, ये सभी लोग देख रहे हैं, क्योंकि जब जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई है तो पूर्वांचल के लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि पहले की पार्टी और अब की पार्टी दोनों में से सबसे अधिक सुधार किसने किया है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा, लेकिन आप पत्रकारिता जगत में हो, आप पत्रकारिता जगत को छोड़ के भी एक आम आदमी के नाते अगर आप क्षेत्र में जाइए तो आपको दिखाई देगा कि पूर्व की सरकार में वर्तमान की सरकार में क्या फर्क है। आज कम्युनिटी सेंटर की बात करना चाहता हूँ, स्ट्रीट लाइट की बात करना चाहता हूँ, सड़क की बात करना चाहता हूँ, परिवहन की बात करना चाहता हूँ, तो आपने देखा कि जब कृष्णपाल गुर्जर जी 21 वर्ष पहले जब यहाँ के परिवहन मंत्री थे तब यहाँ बस चलती थी, और आज वर्तमान सरकार में फिर बस चलने लगी है। आप जाके देखिए डिस्पेंसरी में, जहाँ आपको डॉक्टर मिलेंगे, नर्सिज मिलेंगी, जच्चा बच्चा केंद्र है, आप जाके देखिए तो बारात घर की सुंदर व्यवस्था है, कम्युनिटी सेंटर हैं, एक वार्ड में नहीं सभी वार्डों में कम्युनिटी सेंटर हैं। आप सेहतपुर बसंतपुर वाले रोड की बात करिए, ये रोड बन के तैयार है, आज राजेश नागर जी के द्वारा बसंतपुर गांव में सड़कें बनवाई जा रही हैं, किशनपाल गुर्जर जी के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। तो इस क्षेत्र के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काम नहीं होता तो आप किशनपाल गुर्जर जी की कितनी बड़ी जीत थी आप देख लीजिए, भाई राजेश नागर जी की कितनी बड़ी जीत थी आप देख लीजिए, राजेश नागर जी पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी दूसरी जीत के साथ जीत के आए, किशनपाल गुर्जर जी पूरे देश में तीसरी सबसे बड़ी जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी के निगम चुनाव में एक बहुत बड़ी जीत हुई है, वार्ड 23 में बड़ी अंतर से जीत हुई थी, वार्ड 24 में सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अंतर से जीत हुई थी। तो ये सिर्फ कांग्रेस भाजपा सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की वजह से है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रत्याशी को भी टिकट देगी वो प्रत्याशी बड़ी मजबूती के साथ अपना चुनाव जीत के आएगा और जनता के विचारधाराओं पर बिल्कुल खड़ा उतरेगा। सर, जनता के हित में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार काम कर रही है, जनता को बिल्कुल सरकार पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि आप गांव में जाके देखिए तो पहली ऐसी सरकार है जो बिना खर्चा बिना पर्चा के लोगों के काम कर रहे हैं। आप जाके देखिए तो गरीब का बेटा भी आज सरकारी लाभ ले रहा है, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी कर रहा है, और IAS IPS तो बन रहा है। आप जाके देखिए 4th ग्रेड की नौकरी जिनके लिए पहले लाखों रुपये देने पड़ते थे, 5-5, 10-10 लाख रुपये दे के और लोगों को नौकरी मिलती थी, आप जाके देखिए कि बिना पैसे दिए लोग अपने योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी पास कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सुमन चंदेल जी, और बातें हम इनसे और करेंगे, बातें हमारी लगातार जारी रहेगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए हुंकार 24 न्यूज। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।